से नए श्रृंखला फॉर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। और इस श्रृंखला में बहुत ऐसे बाइबल आधारित विषय है जो आईपीएससी के पास्टर हमारे बीच में आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। और आईपीएससी इंडिया इस सिद्धांतों पर विश्वास करती है। सो आज मैं आपके बीच में एक ऐसा पास्टर को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिनका जीवन सचमुच में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बदल दिया। आज परमेश्वर के सेवक रेवरेंड आलोक मिश्रा और उनकी पत्नी रितु मिश्रा परमेश्वर का सेवा प्रखंड झाझा गीतको गांव में प्रभावशाली ढंग से सेवा कर रहे हैं। गर्मी हो, जाड़ा हो या बरसात हो, दोनों मिलकर परमेश्वर के काम को बड़े उमंग के साथ, बड़े जोश के साथ उस गांव में, उनके बीच में जो आज परमेश्वर से दूर है, कर रहे हैं और परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आईपीएससी इंडिया को ऐसा परमेश्वर के सेवक दिया है जिनके द्वारा आज परमेश्वर की महिमा मनुष्य के बीच में, लोगों के बीच में हो रही है। सो परमेश्वर का दास, परमेश्वर के सेवक को जो आज हमारे बीच में प्रस्तुत होने जा रहे हैं रेवरेंड आलोक मिश्रा, उनका विषय परमेश्वर हमें ताड़ना देता है प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रभु में आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम आलोक मिश्रा है, मैं धोबियापुरा झाझा में प्रभु की सेवा करता हूँ। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज के ये अवसर के लिए, ये मौका प्रभु ने हमारे जीवन में आने दिया और हमें इस योग्य बनाया। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आज हम वचन के द्वारा कुछ बातों को देखेंगे जो हम मसीहों के जीवन में घटता रहता है। तो आज का हमारा विषय है मसीह जीवन में क्रमबद्ध घटित होने वाली क्रियाएं, घटनाएं हैं। मसीह जीवन में क्रमबद्ध घटित होने वाली क्रियाएं हमारे जीवन में नाना प्रकार की बातें आती है, जाती है, एक के बाद एक होता रहता है। हम मसीह अपने आप को सुरक्षित और आशीषित समझते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें अपने वचन में कहता है कि मत डर, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है वो मेरे संतान है, मैं तेरे संग रहूंगा। यशाया 41:10 में हम पाते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। हम लोग इस बात को जानते हैं और हम लोग बहुत इत्मीनान रहते हैं और खुश रहते हैं कि हम लोग आशीषित लोग हैं, हम सुरक्षित लोग हैं। हाँ, जरूर हम हैं, परमेश्वर के सुरक्षा के घेरे में पाए जाते हैं। लेकिन और भी बातें परमेश्वर ने अपने वचन में कहा जिसे हमें उनको भी जानने की आवश्यकता है। तो आइए आज एक वचन हम निकालेंगे, नीति वचन उनका 3:11-12 पद, आइए हम इसे पढ़ते हैं। नीति वचन 3:11-12। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना और जब वह तुझे डांटे तो बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। देखिए वचन में यहाँ परमेश्वर कहता कि मेरे पुत्र, मैं तुझे ताड़ना इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूं। उसी तरह हमको
ये बात समझने की आवश्यकता है कि हम बहुत खुश और इत्मीनान और आशीषित पाए जाते हैं मसीह जीवन में, लेकिन जब कभी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसियाओं में नाना प्रकार की आपद विपद, बीमारी, रोग, कमी, घटियां, अशांति जब होने लगती है, तब हम घबराने लगते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि ये सब बातें हमारे जीवन में क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं प्रत्येक संडे को चल जाता हूँ, मैं प्रार्थना सभाओं में जाता हूँ, बड़ी बड़ी सभाओं में जाता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, कलीसिया की सारी एक्टिविटीज में मैं सहयोग करता हूँ, परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूँ, उनके भय में रहता हूँ, प्रतिदिन हमारे घर में फैमिली प्रार्थनाएं हम करते हैं, जहाँ तक मैं सकता हूँ करता हूँ, लेकिन फिर भी ये परेशानियाँ, ये बीमारी, ये कमी घटियाँ क्यों हमारे जीवन में आ गया। मैं जहाँ काम करता हूँ, जहाँ सेवा करता हूँ, सब अन्य जाति से नए लोग पाए जाते हैं, उन लोगों का बहुत सारी प्रसंग हमारे जीवन में आता है, बहुत सारी बातें वे लोग करते हैं जो उनको समझाना पड़ता है, वे लोग नहीं समझ पाते हैं, वे सिर्फ कहते हैं कि मैं तो प्रभु यीशु को मानता हूँ, कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो वचन को नहीं जानते, वचन का अध्ययन उनके जीवन में नहीं है। इसी तरह हम मसीह लोग जो हम वचन को पढ़ते नहीं हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, हम घबराने लगते हैं, हम घबरा जाते हैं, लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारा भरोसा परमेश्वर पर सदा बना रहता है। वचन कहता है कि तुम धन्य हो, हम लोग धन्य हैं जब हम लोग को परमेश्वर ताड़ना देता है। आइए हम एक और एक पद देखते हैं, अय्यूब की पुस्तक उनके 5:17, आइए हम पढ़ते हैं, अय्यूब 5:17। देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू स्वर्ग सत्यमान की ताड़ना को तुझ मत जान। देखिए क्या धन्य हम लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर मुझे पुत्र कहा और हमें प्यार करता है, इसलिए हमें ताड़ना देता है कि हम और भी तलाश पे निकलने पाए। अब ये घटनाएं हैं हमारे जीवन में एक के बाद ये होता रहेगा, जब तक कि हमारा जीवन परमेश्वर के सिंहासन तक नहीं पहुंच जाता है। बाइबल कहती है एलिया जो परमेश्वर के जन, परमेश्वर के सेवक था, हम सब जानते हैं, बाइबल कहती कि एलिया भी हमारे राब के जैसा दुर्भोगी मनुष्य था। जब एलिया के जीवन में दुख था, वो दुख भोगता था, तो हम और आप कहाँ के, हम लोग कहाँ हैं, हमने इस बात को ध्यान दे और इससे हमें ढांढस मिलता है। जब परमेश्वर का जन दुख भोगता है तो हम और आपको परमेश्वर ताड़ना देगा। आइए हम इसे एक उदाहरण स्वरूप समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक गेहूं के बीज को जब जमीन में गाड़ा जाता है तो उसे अकेला रहना पड़ता है और साथ ही मिट्टी में दबा हुआ रहना पड़ता है, और इसके बाद कुछ दिन के बाद उस गेहूं के बीज को सड़ना पड़ता है। जब वो सड़ जाता है तो उसे एक पौधा निकलता है। जब पौधा निकलता है
तो उसे जंगली घासों के बीच में रहना पड़ता है। है तो वो गेहूं का पौधा, लेकिन आसपास आस पड़ोस में जंगली घास है, उनके बीच में उसे खड़ा रहना पड़ता है, स्थिर रहना पड़ता है। इसी तरह आज हम मसीह लोग जो हम अपने गांव मोहल्लों में शहरों में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत तरह के लोग रहते हैं हम जानते हैं, लेकिन उनके बीच में हमको परमेश्वर में मसीह में स्थिर रहना है, खड़ा रहना है। और क्या होता है, जब वो गेहूं में बाली निकलता है तो वो बाली को जब वो पक जाता है तो उसे मार भी सहना पड़ता है, क्योंकि गेहूं की पिटाई की जाती है। जब गेहूं की पिटाई की जाती है तो गेहूं उससे बाहर निकल आता है, उसके बाद उस गेहूं को पीसना पड़ता है। हम उसे चक्की में ले जाते हैं और उसके पिसाई करते हैं, उस गेहूं को पीसना भी पड़ता है। फिर इसके बाद वो जब आटा बन जाता है तो उसे घूसे का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब आटा गूंधा जाता है तो उसे घूसे के इस्तेमाल होता है। उस परिस्थिति में भी वो शांत बना रहता, स्थिर रहता है, और उसके बाद उसे आग का भी सामना करना पड़ता है। और जब वो आग का सामना करता है और आग से जब वो निकलता है तो एक शुद्ध रोटी बनकर निकलता है जो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया जाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि हम जो मसीह के लोग हैं परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है ताकि हम और तरासे जाएं। इसलिए हम ये बातों को अपने जीवन में रखने पाए और अंत तक हम सब धीरज धरे रहें, क्योंकि जब हम अंत तक धीरज धरे रहेंगे तो हमारा ये जीवन एक तरासा हुआ जीवन होगा और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के रूप में तब हम इसे चढ़ा सकेंगे और हम सिंहासन तक पहुंच सकेंगे। हालेलुया, आमीन, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर वचन जो तूने हमें दिया है प्रभु, होने दे कि हम तुझ में बने रहने पाए, अंत तक धीरे धरने रह पाए, ताकि हम उस सिंहासन तक हम सब पहुंच सके, तेरी ताड़ना को हम महसूस करें और तेरी आशीष उसके द्वारा हमारे जीवन परिवार में हो जाने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु को जय मसीह।